Assalamualaikum, कैसी हैं मेरी प्यारी प्यारी बहनें। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं पे भी होंगी खुश और आबाद होंगी। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ फ्राई पैन चिकन रोल। और फ्राई पैन चिकन रोल बहुत ही क्विक और इजी है। आप इसे बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, गेट टुगेदर पर भी दे सकते हैं, बच्चों की पार्टी हो या कि घर में कोई भी ओकेजन हो या कोई भी जल्दी से मेहमान आने हो तो झटपट से तैयार हो जाने वाली डिश है। इसके अलावा आप इसी मिक्सर को जो मैं बनाऊँगी इसको आप ऐसा रोल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसा सैंडविच भी यूज़ कर सकते हैं और ऐसा पराठे में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। यहाँ मैंने लिया है फ्राई पैन, इसमें डाला है 2 खाने के चम्मच मैंने ऑयल। जैसे ही ऑयल मेरा गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट। और ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये मेरे पास चले गया 1 खाने का चम्मच। इसको मैं सौते करूंगी। यहाँ है मेरे पास 1/2 kg के करीब चिकन स्ट्रिप्स, मैंने इसको बिल्कुल बारीक बारीक स्ट्रिप्स बना ली है, ये मैं डाल रही हूँ। अब मैं इसे सौते कर लूंगी। यहाँ है मेरे पास 1 छोटी प्याज और 1 छोटा टमाटर, इसको मैंने बिल्कुल बारीक काटा है क्योंकि बच्चों के मुंह में अगर मैं लंबा लंबा काट के डालूंगी तो वो उनको खाने में मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने बिल्कुल बिल्कुल बारीक बारीक काटा हुआ है। तो ये प्याज और टमाटर मैंने इसमें डाल दिया। अब मैं चिकन के पानी में ही इसको पकाऊंगी, थोड़ा सॉफ्ट करूंगी प्याज और मैं टमाटरों को। मैं इसमें डालने जा रही हूँ अपने मसाले, क्योंकि प्याज और टमाटर दोनों मेरे सॉफ्ट हो चुके हैं तो इसमें मैं डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर बच्चों के हिसाब से। इसी के साथ मैं डालूँगी गरम मसाला पाउडर, नमक हसबे ज़रूरत। ये बच्चों को बहुत ही टेस्टी रोल लगता है, बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं। ये है ज़ीरा पाउडर और इसी के साथ मैं थोड़ा सा डालूंगी हल्दी पाउडर। घर के मसालों से आप बहुत अच्छा रोल आप बच्चों को बनाकर दे सकते हैं। और इसी के साथ मेरे पास है कसूरी मेथी, इसको मैं क्रश करके डालूंगी। ये सारी कसूरी मेथी चले गई। अब मैं इन सारी चीज़ों को मिक्स करके इसकी भुनाई करूंगी मसाले की अच्छे से। इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि मेरे मसाले भी अच्छे से मिक्स हो जाएं चिकन के साथ, और इसके अलावा जो मेरी चिकन है वो भी गल जाएगी क्योंकि मेरी चिकन अभी कच्ची है। तो मैं इसे मिक्स कर लूँगी और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको पकाऊंगी ढककर ताकि ये गल जाए। और बिल्कुल अचार जैसी खुशबू आती है इसमें, जब खाते हैं तो बहुत ही अच्छा टेस्ट होता है। ट्राई ज़रूर करिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसी लगती है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्चें, ये फीकी वाली हरी मिर्चें हैं, बहुत ज़्यादा तीखी नहीं है, तो ये मैं डाल रही हूँ ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आए इसके अंदर। तो ये मैं डाल रही हूँ और एक और चीज़ डालूंगी लेकिन इस स्टेज पे नहीं, पहले ये पक जाएगी उसके बाद मैं डालूंगी। अब मेरी चिकन बहुत अच्छे से गल चुकी है, तो ये है मेरे पास टर्मेरिक सॉस यानी कि खट्टी मीठी चटनी इमली की, तो ये मैं डाल रही हूँ। और बस मैंने ये इतनी डाली है और मैं इसको मिक्स कर लूँगी और इसको 2 सेकंड के बाद फिर मैं इसको रोल में फिलिंग कर लूँगी। देख सकते हैं मेरी चिकन का पानी अच्छे से खुश्क हो चुका है बिल्कुल, और अब इसके अंदर चिकन भी अच्छे से गल चुकी है। तो अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूँगी। जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएगी तो फिर उसके बाद इसके रोल बनाऊंगी, क्योंकि अगर आप किसी भी चीज़ को पराठे वगैरह में गरम गरम डार फिलिंग करके और बच्चों को लंच बॉक्स में या कर रखेंगे तो उसका अजीब सी स्मेल हो जाएगी। तो अब मैं इसको पहले थोड़ा सा कूल डाउन होने दूंगी, उसके बाद मैं इसकी फिलिंग करूंगी तैयार। इसके अंदर मैंने थोड़ी सी फ्रेंच फ्राइज़ की फिलिंग करके रुमाली रोटी में इसका रोल बना लिया है। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा, साथ ही बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। जाने से पहले एक दफ़ा दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अपना अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।